क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस में युवा नेताओं का अकाल होने वाला है? आखिर कांग्रेस से युवा नेता खफा क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे कई सवाल अब कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं। कांग्रेस कई राज्यों में युवा नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही है। इसका परिणाम मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी यह देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के भीतर युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा है। यह युद्ध कांग्रेस के आलाकमान स्तर से लेकर निचले स्तर तक चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर मांग उठी है कि युवा राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह मांग दबे छिपे भी उठाई है। यानी एक तरफ लगभग 74 वर्षीय सोनिया गांधी तो दूसरी तरफ उनके बेटे 50 वर्षीय राहुल गांधी। कई नेताओं ने 48 वर्षीय प्रियंका गांधी के लिए भी मांग उठाई है। आखिर यह मांग क्यों उठ रही है? क्यों ये मांग पूरी नहीं की जा रही है? अब बात करते हैं राज्यों की जहां बुजुर्ग नेता युवाओं पर भारी पड़े हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का चेहरा के रूप में आगे लाया गया था और चुनाव में उन्होंने भरपूर मेहनत की और अपने क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आई तो कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया और 73 वर्षीय कमलनाथ को बागडोर सौंप दी गई। सिंधिया भाजपा में है और राज्य में भी उनके समर्थक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट चेहरा थे लेकिन बाद में उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया और अब 70 वर्षीय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही नहीं, सचिन को अपमानित भी किया गया। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को भी दरकिनार किया गया था जब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एक तरफ सचिन पायलट के लिए संदेश लेकर आए सुरजेवाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरवाजे बातचीत के लिए खोल कर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए और फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। युवाओं से आखिर कांग्रेस का डर क्या है, यह सवाल उठ रहा है। पिछले दिनों अमेठी जिले से कांग्रेस की नाराज युवा विधायक अदिति सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर मुखर हो गई थी। अब उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक और युवा नेता 46 वर्षीय जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। उन्होंने सचिन के कार्यों की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश में उन्हें भी तवज्जो नहीं मिल रही है। उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। वे कांग्रेस के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय जितेन प्रसाद के बेटे हैं। इसी तरह से हरियाणा के युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा की भी नाराजगी सामने आई है। जतिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा ने तो सचिन के पक्ष में सोनिया गांधी से बातचीत भी की है। हुड्डा को भी हरियाणा में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। इसी तरह से महाराष्ट्र के युवा नेता और स्वर्गीय मुरली देवड़ा के 43 वर्षीय बेटे मिलिंद्र देवड़ा भी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त के भी सचिन के समर्थन में सामने आने की खबर है। ये युवा नेता उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और क्षमतावान भी हैं और इनके पिता भी अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं पर युवावस्था में दरकिनार किया गया था। चूंकि युवाओं के सामने उनका पूरा कैरियर है इसलिए वे भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं और भाजपा भी उनकी क्षमता का इस्तेमाल कर रही है, जबकि उम्रदराज नेताओं के सामने पार्टी बदलना दिक्कत वाली बात है। आखिर कांग्रेस के इन युवा और पढ़े लिखे नेताओं से कांग्रेस दूरियां क्यों बना रही हैं या फिर इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। कोई भी युवा नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद तक नहीं पहुँचा और न ही पहुँचने दिया गया। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का उदाहरण सामने है। उधर कांग्रेस की ही प्रियंका वाड्रा को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए परहेज किया जा रहा है। उन्हें उत्तर प्रदेश तक ही सीमित कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन युवा नेताओं के आगे आने से राहुल गांधी को कोई खतरा है? युवा नेताओं के सामने उनका लंबा कैरियर बाकी होता है जबकि उम्रदराज नेताओं का कैरियर ढलान पर होता है, इसलिए युवाओं को मौका देने की बात हमेशा की जाती रही है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। पार्टियां या तो युवाओं पर कम विश्वास करती हैं या फिर उन्हें उम्र दराज नेता आगे नहीं आने देना चाहते।